दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सारिका। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आरामदेह व सेहतमंद मौसम का आनंद ले रहे होंगे। इस वक्त एक शानदार अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये आपकी जिंदगी को कई गुना बेहतर बना देगा। क्या आप इस बेहतरीन अवसर के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट पार्ट से शुरू करने जा रही हूँ। आइए जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ आप सीखने, एक्सपेरिमेंट करने के साथ एंटरप्रेन्योर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आपका करियर ग्रोथ तो होता ही है, उनका भी होता है जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं। इसे यूं समझें, इसमें आप सीधे उपभोक्ताओं को प्रोडक्ट और सेवाओं की बिक्री करते हैं। ये बिक्री उनके घर, वर्क प्लेस, सेमिनार, मीटिंग आदि कहीं भी हो सकती है। इसमें डायरेक्ट सेलर्स द्वारा प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, उसका डेमो दिया जाता है। इस प्रोसेस में रिटेल आउटलेट्स जैसे बिचौलियों की जरूरत नहीं होती और यही खूबी इसे फायदेमंद बनाती है। डायरेक्ट सेलिंग सभी को व्यवसायी बनने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ आप मामूली से खर्च में तुरंत अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसायी को ये छूट है कि वो अपनी सेल्स टीम में दूसरों को जोड़ सकते हैं। वो प्रोडक्ट की सेलिंग से अपनी अर्निंग क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आगे इस फॉर्मेट में भारत को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता है। वर्ष 2025 तक ये कारोबार 645 करोड़ रुपए को छू लेगा। इससे करीब 1 करोड़ 80 लाख लोगों को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वर्ष 2025 के अंत तक अकेले भारत में 11 मिलियन महिलाओं को आर्थिक रूप से समर्थ बनाएगा। इंडिया एक यंग कंट्री है। यहाँ आबादी का 56% से अधिक हिस्सा 35 वर्ष से कम उम्र वालों का है। डायरेक्ट सेलिंग में हर रोज नए नए अवसर उभर कर आ रहे हैं। भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों द्वारा जारी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के तहत ग्रोथ के नए रास्ते बने हैं। भारत में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का भविष्य काफी उज्जवल और फायदेमंद है। आइए भारत में डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्रीय विकास पर नजर डालें। उत्तरी क्षेत्र 27% शेयर, 33% ग्रोथ। बाजार के आकार की दृष्टि से उत्तरी क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसमें बढ़त सबसे तेज है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र 11% शेयर, 27% ग्रोथ। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र वर्तमान में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे छोटा बाजार है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। पूर्वी क्षेत्र 17% शेयर, 19% ग्रोथ। पूर्वी क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। भविष्य में विकास की संभावनाओं को लेकर कंपनियां काफी आशावादी हैं। पश्चिमी क्षेत्र 15% शेयर, 9% ग्रोथ। उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र अपेक्षाकृत नया मार्केट है, लेकिन ये तेजी से जोर पकड़ रहा है। दक्षिण क्षेत्र 30% शेयर, 14% ग्रोथ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस क्षेत्र की बाजार हिस्सेदारी सबसे अधिक है। डायरेक्ट सेलिंग बाजार में हेल्थ एवं वेलनेस की कैटेगरी सबसे बड़ी है, इसमें इसका हिस्सा 47% है। इसके बाद FMCG और हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स का स्थान है। आगे बढ़ते हुए आइए उन दिशा निर्देशों को समझें जिनके तहत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या एंटिटी को काम करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में जुटी कोई भी कंपनी भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत भारत में कारोबार करने के लिए अधिकृत कानूनी इकाई होनी चाहिए। सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को अपने डायरेक्ट सेलर्स को एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से व्यावसायिक जानकारी, टर्मिनेशन क्लॉज सहित सभी प्रक्रियाओं और अनुमति को बताया गया हो। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चाहिए कि वो डायरेक्ट सेलर के रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ही उन्हें प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी, उनकी कीमत और साथ में सभी कागजात और बिक्री सामग्री को उपलब्ध कराए। बिजनेस प्लान के सभी प्रावधानों जैसे कि कंपनसेशन स्ट्रक्चर आदि का विस्तृत दस्तावेज डायरेक्ट सेलर को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चाहिए कि वो अपने ग्राहकों या डायरेक्ट सेलर्स के लिए अपने स्वयं के ब्रांड नाम से निर्मित बेहतर गुणवत्ता वाले ब्रांडेड उत्पादों को उपलब्ध कराए। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास लिखित रिफंड या बायबैक पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें बताया गया हो कि डायरेक्ट सेलर से
प्रोडक्ट या सेवाएं खरीदने वाले उपभोक्ता ऑर्डर देने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपने प्रोडक्ट्स लौटा सकते हैं और कंपनी से पुष्टि के बाद रिफंड की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपनी वेबसाइट पर सटीक जानकारी रखनी चाहिए। इससे डायरेक्ट सेलर्स अपने ग्राहकों को प्रोडक्ट से जुड़ी सही सही जानकारी और उसकी कीमत बता सकेंगे। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास डेडिकेटेड कस्टमर केयर डेस्क होना चाहिए, जिसके जरिए ग्राहक या डायरेक्ट सेलर की किसी भी समस्या को हल किया जा सके। तो इन सभी के बाद आपके मन में सवाल हो सकता है कि क्या ये बिजनेस करना मुश्किल है? क्या हम इसे सच में कर सकते हैं? खैर, यदि आप में जुनून, समर्पण और ईमानदारी है तो ये शानदार अवसर आपके लिए बहुत आसान है। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए निम्नलिखित पर विचार करें। यदि आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन और मोटिवेशनल और लीडरशिप स्किल्स हैं, तो आप इस बिजनेस में चमत्कार कर सकते हैं। आप अपने डाउनलाइन या ग्राहकों के प्रति सच्चे होने चाहिए और आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सही जानकारी प्रदान करनी चाहिए। आपको डायरेक्ट सेलिंग दिशा निर्देशों के अनुसार बिजनेस प्लान और उसके क्रियान्वयन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अपने डाउनलाइन या ग्राहकों से झूठे वादे न करें। प्रोडक्ट्स और उनके उपयोग के बारे में डाउनलाइन को जानकारी दें और उनका मार्गदर्शन करें। ग्राहकों से सही सही वाजिब कीमत लें, MRP से अधिक कभी चार्ज न करें और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त लाभों को उपभोक्ता तक पहुंचाएं। किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार बिल्कुल न करें। हमेशा अपने ग्राहकों की समस्याओं पर ध्यान दें। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के कस्टमर केयर सपोर्ट की मदद से उन्हें जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करें। तो अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? सही दिशा में आगे बढ़ें और इस अद्भुत बिजनेस मॉडल के साथ तरक्की की राह अपनाएं।